यहाँ से जो अपनी जो ट्रिप लग रही है वो लग रही है देवरिया, गोरखपुर देवरिया के लिए। अभी मैं हूँ लखनऊ में, लखनऊ से टाइम बता देता हूँ मैं, क्या टाइम हो रहा है। टाइम जो अपना हो रहा है वो हो रहा है 2:18। अब इस टाइम हम लोग रेडी हो गए हैं, निकल रहे हैं यहाँ से गोरखपुर देवरिया के लिए। पहले गोरखपुर आएगा फिर देवरिया आएगा, तो लेट्स सी, आप बने रहिए। कंफर्टेबल है? हाँ कंफर्टेबल रहोगे ना। अल्लाह है अमानी रहीम, अल्लाह खैर खैरियत से अपना दिन निकले, आज का ये सफ़र अच्छे से निकले आज का। चल रहा हूँ मैं अब, लाइक अब मेरा जो अब नेक्स्ट स्टॉपेज है जो मैं रुकूंगा वो है गोरखपुर से आगे एक देवरिया जगह पड़ती है, मैं देवरिया में रुकूंगा अब, क्योंकि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन एक्चुअली वही है, देवरिया ही जाना है। यहाँ पे इस बार ईद का और कुछ और फैमिली फंक्शन है उसको अटेंड करने के लिए। सो देवरिया यहाँ से जो पड़ता है, डिस्टेंस जो दिखा रहा है वो अप्रॉक्सीमेट 6 आवर्स की जर्नी दिखा रहा है, बेसिकली 6 घंटे का जो है डिस्टेंस दिखाता है। 6 घंटे कुत्ते ने तो बिल्कुल ही पकड़ ही लिया था लगभग, 6 घंटे की जर्नी दिखा रही है। अब बस करना कुछ नहीं है, 6 घंटे तक कंटिन्यूसली ड्राइव करना है और बस अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। अब कैसे जाना है, क्या रूट है, मेरे को सही बताऊँ, मैं ज़िंदगी में पहली बार जा रहा हूँ बाइक से, तो मुझे भी नहीं पता। नेविगेशन मैंने लगा रखा है, आगे देखते हैं किस तरीके से पहुँचते हैं वहाँ पर। सोलो राइड में अभी जो मेरे साथ है प्रिंस है, साथ में अभी मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा आप सबको। चलते हुए लखनऊ से, बहुत तेज गर्मी है, भगवान फाड़ू साला। ओहो मेट्रो जाती हुई लखनऊ की, ऊपर से मेट्रो की, मेट्रो जा रही है लखनऊ में, ऊपर से मेट्रो का रूट है, नीचे से हम लोगों का रूट है। दोनों लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने रास्ते जा रहे हैं और अंदर पसीने से मैं गीला हो गया हूँ क्योंकि हो रखी है कड़क वाली धूप, 40-42 डिग्री टेम्परेचर है अभी। अब जी 40-42 डिग्री टेम्परेचर में तो हालत ख़राब हो ही जाना है, बट कोई नहीं, चलते हैं देखते हैं कैसे कैसे पहुँचेंगे, किस तरीके से पहुँचेंगे। अब 2 लोग हो गए हैं, आराम से बात करते करते अपना पहुँच जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा इस चीज़ का। चार घंटे 52 मिनट का रास्ता है यहाँ से घर जाने का, 269 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से गोरखपुर, 269 किलोमीटर बहुत ही नज़दीक है, बट रूट का पता नहीं है, रूट किस लेवल पे ट्रैफिक मिलेगा, कैसा ट्रैफिक मिलेगा ये आइडिया नहीं है, बट है तो नज़दीक ही। बाराबंकी यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है। लखनऊ में साला एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, जितना भी फ्लाईओवर बना हुआ है उन सारे फ्लाईओवर्स में जो है इन्होंने कैसा किया हुआ है, फ्लाईओवर को ढक दिया है दोनों साइड से। अब पता नहीं क्यों ढका है, किस लिए ढका है, मुझे मालूम तो नहीं है क्यों ढक दिया दोनों साइड से। ये सीधा वो रास्ता जो हमें पहुंचा देगा, भोसड़ी के कैसे ला के मोड़ रहा है, यही प्रॉब्लम है साला इस रूट पे, और कोई दिक्कत नहीं है। आपको कान आँख नाक सब कुछ खोल के चलाना पड़ेगा, कहीं से कोई भी आके घुस जाएगा, कंट्रोल में चलाना पड़ेगा, इतनी स्पीड में चलाओ जितने में आगे अगर कोई आता है तो कंट्रोल हो जाए। यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेके शायद वो रूट हमारा आ जाएगा जिस रूट पे हम लोग जा रहे हैं। तो एक बार बस रूट मेन रूट पकड़ लें, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से चलते चलेंगे। हाई कोर्ट क्रॉस करते हुए अभी हम लोग हाई कोर्ट से अभी आगे हम लोग कहीं रुकेंगे, पेट्रोल भराएंगे, पेट्रोल नहीं है बाइक में, है लेकिन टंकी आधी टंकी है, मेरे को फुल कराना है। तो ये रहा उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की बिल्डिंग, टंकी फुल करो है? नहीं गर्मी ज़्यादा है ना। 461 करेक्ट। तो ये लखनऊ से लगभग बाहर आ गए हम लोग, पूरा लखनऊ से बाहर आ गए। अब बस एक बार हाईवे चढ़ लें तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आदमी स्मूथली चलते हुए चला जाएगा। हाईवे चढ़ने की देर है बस एक बार को, हाईवे आ जाए। लोग लखनऊ से निकल गए, अब ये जो है अयोध्या का एरिया शुरू हो जाएगा। अयोध्या से ज़्यादा स्पीड में मैं चला नहीं पाऊँ क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि इधर का रूट
बहुत ख़राब है और ज़्यादा हाई स्पीड में चलाया तो कंट्रोल खो सकता हूँ मैं, तो बहुत प्रोफेशनली मेरे को चलाना रहेगा। 248 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ से, अभी बहुत प्रोफेशनली वे में मेरे को चला के आगे निकलना रहेगा। रोड की वजह से शायद 4-5 आवर्स दिखा रहा था, अदरवाइज नॉर्मल अगर वो यमुना या आगरा एक्सप्रेस वे पे होता तो बहुत आसानी से ये 4 घंटे का रास्ता था मेरा बेसिकली। एक बार देखते हैं रास्ते में चलते चलते कैसे कैसे क्या क्या इस रूट पे प्रॉब्लम्स क्या हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा इस रूट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करने को मिल सकता है। एक तो ट्रैफिक बहुत है, दूसरा आगे बता रहा हूँ आपको। पूरा गीला कर लिया पूरा कपड़ा, इससे 10 डिग्री के आसपास का हेल्प मिलेगा हम लोगों को रास्ते में चलने का। अभी रुके हुए हैं, थोड़ा जैसा लग रहा है जैकेट में पानी गिरा लेने से ना, जैकेट में पानी गिरा लेने से बहुत कंफर्टेबल मिला है, एकदम पूरा ठंडा ठंडा लग रहा है अब मस्त। एक जगह स्टॉपेज लिया था 10 मिनट के लिए, चाय बोला उसको बनाने के लिए, साला 10 मिनट में चाय बनाया भी नहीं। इनफेक्ट गाड़ी आ गई, वो गाड़ी में खो गया, एक बड़ी गाड़ी आ गई, अभी से बैठ गया मिट्टी मार रहा था। खैर कोई नहीं, अब जो है एक्सपेक्टेड टाइम जो है गोरखपुर पहुंचने का वो दिखा रहा 8:10 का, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि इस रूट में एक प्रॉब्लम ये है इस रूट की कि ये बहुत ही पतला रूट है, बहुत ही पतला हाईवे है और इसमें कहीं से भी कोई भी बंदा आ जा रहा है, गाड़ी लेके वो जा रहा है। तो इसमें हमने जो बाइक चला रहे हैं इसमें बहुत कंट्रोल होकर चला रहे हैं कि हमें पता है कि हम उतनी ही स्पीड में चलाएं जितनी स्पीड में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज कहीं से भी कोई सी भी बाइक घुस जाएगी अंदर, किधर से भी कोई भी कट लेके अंदर घुस जा रहा है इस हाईवे में लेके। बहुत छोटा रास्ता है, मतलब दो लोगों का, दो गाड़ियाँ जाने का है, दो गाड़ियाँ आने का, और ये हाईवे है, ये हाईवे लखनऊ से निकलते हुए पूरा देवरिया तक ये हाईवे टच करता है, तो ये प्रॉब्लम है इस हाईवे का। बट बाकी सब ठीक है, चला रहे हैं आराम आराम। मैं अयोध्या में हूँ एक्चुअली, अयोध्या में एंटर करने वाला हूँ यहाँ से अभी गोरखपुर 165 किलोमीटर के आसपास का रेंज दिखा रहा है। लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचते हैं। वैसे तो नेविगेशन पे जो टाइमिंग दिखा रहा है वो 7:30 का टाइमिंग दिखा रहा है गोरखपुर पहुँचने का, बट लेट ही होगा, 7:30 से और लेट ही होगा, जल्दी तो नहीं पहुँचने वाला। पे देखते हैं कि फ्री है या चार्जेबल है। आई थिंक फ्री होना चाहिए, टू व्हीलर के लिए तो फ्री ही होना चाहिए। टू व्हीलर के लिए फ्री है, हाँ चलो बूम से निकाल लो, फ्री है, आराम से जा लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मंदिर वंदिर कुछ आता है तो मैं दिखाता हूँ। भी अयोध्या अभी नगरी स्टार्ट हुई है, 24 किलोमीटर दूर मेन सिटी है अयोध्या की। एक बार मैं अयोध्या मेन सिटी में पहुंचता हूं तो आप लोगों को भी दिखाता हूं। बनावट देखिए कितना बढ़िया बना रखा है, एंट्री करते हुए भी काफ़ी डेवलपमेंट किया है। क्यों, राम मंदिर की वजह से जो है अयोध्या का जो डेवलपमेंट है वो हाई लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे। जब ये स्टार्ट हो जाएगा मंदिर ना तो ये बहुत ही बड़ा टूरिस्ट स्पॉट होगा इस एरिया के लिए, बिकॉज पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे आएंगे अयोध्या में, पूरे इंडिया से लोग इस मंदिर को देखने और उसकी अपनी श्रद्धा के लिए यहाँ पे आएंगे। तो अभी लेट्स सी कब तक रेडी होता है, एज पर गवर्नमेंट 2024 में वो रेडी हो जाएगा। और उसके लिए देखो ना, आप डेवलपमेंट देखो ना, मेरे को लग रहा है लखनऊ के बाद सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अगर सिटी अगर मैं इधर का देख रहा हूँ अभी जब से बाइक चला रहा हूँ तब से, तो ये अयोध्या है, ये लखनऊ के बाद सबसे ज़्यादा डेवलप सिटी अयोध्या है। आगे आपको और भी दिखाता हूँ किस तरीके से ये फ्लाईओवर जो मैं चल रहा हूँ कितना बढ़िया स्ट्रीट लाइट लगा रखा है इन्होंने, वाह सीरियसली नाइस, बहुत अच्छे तरीके से बनाया है इधर आपको हाथ में। ये ज़्यादा है इसका, ये ट्रक और के बहुत ज़्यादा है इस रूट पे, सबसे ज़्यादा इधर ट्रक है। हाँ ट्रक बहुत ज़्यादा चल रही है ना रूट पे, नहीं चला ले जाएगा। हाँ 70-80 से ज़्यादा चल ही नहीं पा रहे, हाँ खतरा है बहुत ज़्यादा। वही आराम आराम से चलाओ, क्या दिक्कत क्या है, घर ही तो जाना है।
गया जिंदगी आराम से। बस 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 इधर आसपास में लोगों का कहना है, दो चार लोगों से बात हुई, लोग बता रहे थे कि यहाँ से हाईवे से 3-4 किलोमीटर दूर अंदर जाके इधर की साइड आपको मंदिर मिलेगा। मस्त व्यू देखिए घाघरा नदी का। काफ़ी अभी पानी कम है इसमें एक्चुअली, बरसातों में जो है ना ये काफ़ी बहुत ज़्यादा पानी इसमें आया, ख़त्म हो गया यहाँ पे घाघरा नदी, यहाँ पे ख़त्म, यहाँ से नॉर्मल रोड शुरू। अच्छा यहाँ की RCC भी जो है ना ऐसे ही बनी हुई है जैसे आपको दिख रहा है ना रोड, ये रोड जो है पूरा RCC है, और इसी तरीके से लखनऊ से लेके गोरखपुर तक मुझे लग रहा है ऐसे ही RCC है, और बहुत ही इजी है इसमें चलाना, बट वही है कि पतला, बहुत ही पतला सड़क है, बहुत ही पतली सड़क है और बहुत ज़्यादा डेंजरस सड़क है, यहाँ पे आपको आराम से चलाना पड़ेगा, अदरवाइज एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 110% है। अगर आप कंट्रोल में बाइक नहीं चला रहे तो 100% है आपके कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। अभी डिस्टेंस जो दिखा रहा है 2.5 घंटे का दिखा रहा है, 2.5 घंटे में हम लोग गोरखपुर पहुँच जाएंगे, फिर देखते हैं वहाँ से 1 घंटा लगेगा हमें अपने डेस्टिनेशन पर जाने में 2.5 घंटे के बाद। बाकी आप लोग बने रहिए अच्छे से, इस रास्ते का व्यू और इस ट्रिप का व्यू मज़े लेते रहिए। आप लोग आ नहीं सकते अभी अयोध्या, तो क्या हुआ, मैं तो आ गया, आप सभी की जगहों से मैं दिखा दिया अयोध्या, दर्शन करा दिया बाहर बाहर से, अंदर तो नहीं जा पाया मैं। ठीक है जी, ये कट जाता है इधर गोंडा के लिए, ये गोंडा के लिए कट जाएगा, ये रास्ता गोंडा के लिए कट जाएगा जो सर्विस लेन है। और हम लोग अभी पहुंच गए बस्ती, बस्ती के एरिया है वो हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं, ये रोड जो दूसरी वाली लाइन है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसकी वजह से बंद कर रखा है इसको, ये वाली लाइन इन्होंने खोल रखी है। ये भी डेवलपमेंट है, अगर आप अयोध्या से निकलते हैं तो थोड़े दूर तक थोड़ी सी रास्ते ख़राब मिलेंगे, अदरवाइज़ अयोध्या से आपका मुझे लग रहा है जहाँ तक देवरी गोरखपुर तक जो रास्ता है ना वो काफ़ी अच्छा रास्ता इन्होंने बना रखा है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम सब पे चल ही रहा है इनफैक्ट, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा अयोध्या से अगर आप गोरखपुर आ रहे हैं तो अच्छा रूट आपको मिलेगा, रूट अच्छा इन द सेंस कि रोड अच्छे मिलेंगे, टूटे फूटे रोड नहीं मिलेंगे आपका। और मेरा अजम्पशन है एक्चुअली, अभी मैं पूरा गोरखपुर तक देखा नहीं हूँ रोड की कंडीशन क्या है, और लेकिन बीच में उधर अयोध्या जैसे क्लोज हुआ फिर उसके बाद से अच्छा रूट स्टार्ट हुआ, बस्ती तक आया मैं, काफ़ी अच्छा रूट था, रूट इन द सेंस कि उसमें कोई टूटा फूटा रोड नहीं है, काफ़ी अच्छे से बना रखा है उन्होंने, प्रॉपर तरीके से बना रखा है, बट जो साइज़ है रोड की वही है डबल लाइन की है दोनों साइड की, एक दो लाइन का आना दो लाइन का जाना है, अभी तो कंस्ट्रक्शन की वजह से एक ही लेन को इन्होंने एक का आने का है और एक का जाने का बना रखा है, उसी पे चल रहे हैं जी। बाकी अब पहुंचने वाले हैं गोरखपुर, कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा 56 मिनट का टाइम दिखा रहा है गोरखपुर का, 1 घंटा 56 मिनट में हम लोग गोरखपुर पहुंच जाएंगे, मोटा मोटा 2 घंटा लगेगा अभी हमें गोरखपुर जाने में। अरे रूट जाम है क्योंकि एक ही रूट दे रखा है इन्होंने आने जाने के लिए ना, तो इसलिए ये जाम भी बहुत है, बहुत इसमें नेविगेशन में बहुत जाम दिखा रहा है। यहाँ खाया पिया चाय पिया है, नींदार ऐसी गलती मत करना, सो मत जाना इसको पकड़ो, ये मैं पहन लेता हूँ, रेडी होते हैं और एक शॉट और लगेगा बस सीधा घर। ये भैया हमें बैठा के CID दिखा रहे थे, खाते खाते CID भी देखे हम लोग है? है? इधर खड़ा हो जाओ, लोग बाइक ही देखने लग जाते हैं, खैर कोई नहीं, बस्ती क्रॉस करते हुए, बस्ती का व्यू, रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हूँ
अभी यहाँ से गोरखपुर का जो डिस्टेंस है वो 58 किलोमीटर दूर है, तो काफ़ी अच्छा रहा ये। अगर मैं ओवरऑल दिखाऊँ तो काफ़ी अच्छा, रास्ते में कोई ज़्यादा रुकावट है नहीं, बस रोड थोड़े से अंडर कंस्ट्रक्टेड हैं, कहीं पे रोड टूटे हुए हैं, जर्किंग है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, वो इशू आपको फेस करना पड़ सकता है, अदरवाइज आपको कहीं पे भी रोड पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या हुआ था, अपना चाय की टपरी बनाई थी, वहाँ खाया हम लोगों ने, अच्छा लगा खा के, और बस कुछ ही टाइम में आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। मेरे को तो अयोध्या मेरे को बहुत खूबसूरत लगा, बिकॉज वहाँ आराम से लो जी गोरखपुर में एंट्री कर दिए हैं, और अभी गीडा की साइड पे हैं, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की साइड पे हैं, अब यहाँ से अंदर जा रहे हैं बेसिकली। सो अभी गीडा से गोरखपुर, मेन गोरखपुर की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो वो अप्रॉक्स किलोमीटर 15 से 20 किलोमीटर दूर पे है। गीडा थोड़ा बाहर है, बाहर की साइड भी इन्होंने डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रखी है, और जो मेन सिटी है वहाँ अभी 10-15 किलोमीटर दूर है। बस चलते हैं मेन सिटी में, बहुत जल्दी ही हम लोग इंटर कर चुके हैं, अभी गोरखपुर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बेसिकली। अब गोरखपुर से हमें जहाँ जाना है आगे का, अगर डिस्टेंस की बात करूँ गोरखपुर से, जो अगला डिस्टेंस है हमारा वो है हमारा गौरी बाज़ार, वो चौरी चौरा के जस्ट आगे आता है गौरी बाज़ार। यहाँ से उसकी डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 30-35 किलोमीटर का रेंज होगा, 30-35 किलोमीटर के रेंज पे गौरी बाज़ार है। तो 25 किलोमीटर दूर और अभी हमें चलना है, 25 किलोमीटर बाद जो है हमारा डेस्टिनेशन जो है वो आ जाएगा। 25 किलोमीटर दूर अभी हमें और चलना है, कि मेरा जो वाइजर है ना इसमें ढेर सारे मच्छर टकरा के, कीड़े मकोड़े टकरा के ना इसमें डेथ कर गए हैं, और जिसकी वजह से मेरे को साफ साफ दिख नहीं रहा है। तो मैं अगला स्टॉपेज पे जब मैं जब भी रुकूंगा ना तो पहले मैं इसको साफ करूंगा, ताकि जो है विजिबिलिटी ठीक हो, फिर जाके मैं आगे ड्राइव करूंगा। ये जी 4 लेन शुरू हो गया, एक साइड से आना है एक साइड से जाना है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो साइड्स में तो कंस्ट्रक्शन का साइड चल काम चल रहा है, बट यही है 4 लेन बन रहा है, धीरे धीरे बन के रेडी, ऑलमोस्ट कुछ जगहों पे रेडी हो गया है, कुछ जगहों पे रेडी होने वाला है, कुछ तो इसको लेके। अभी आगे बैतालपुर पेट्रोल पंप पड़ेगा, और बैतालपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे पेट्रोल का डिपो है बेसिकली, डिपो इन द सेंस कि पेट्रोल सारे इकट्ठा होते हैं वहीं पे और वहीं पे जमा होते हैं, पेट्रोल पंप का जो डिपो है। कौन सी जगह है? नहीं चौरी, अच्छा अभी हम लोग चौरी चौरा पहुँचने वाले हैं, बस 10 मिनट के अंदर हम लोग चौरी चौरा पहुँच जाएंगे। अंग्रेज़ों को इकट्ठा करके और उन्होंने उसी चौकी में उन्होंने आग लगा के सारे अंग्रेज़ों को मार दिया था, तो इसीलिए चौरी चौरा का नाम जो है बहुत फेमस हो गया, कि चौरी चौरा हत्याकांड जो है उस नाम से फेमस हो, जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे इंडिया को आज़ादी दिलाने में, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, अपनी जान भी गंवाई, बहुत ऐसे लोग हैं। हिंदुस्तान को आज़ाद करने में एक लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जानें गंवाई हैं तब जाके आज़ाद हो गई। आज अगर आप इतिहास के पन्ने उठा के देखेंगे तो आपको चौरी चौरा का नाम इसी चीज़ों से जाना जाएगा, कि यहाँ के फ्रीडम फाइटर ने अपनी जानें गंवाई थी देश को आज़ादी दिलाने में। अबे जाना किधर से, याद दिलाने में मैं कंफ्यूज हो गया किधर से जाना है, एक ही रूट है बेसिकली उधर से आने का भी और ये जाने का भी। नीचे वाली जो लाइन है, जब लास्ट टाइम मैं गया था, मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम कब मैं गया था, 1 साल हो गया होगा अप्रॉक्सीमेट, हाँ 5 में मैं आया था लास्ट टाइम, तो उस टाइम पे ये जो ब्रिज है वो स्टार्ट नहीं हुआ था। नीचे जो लाइन है वो रेलवे लाइन गया हुआ है बेसिकली, रेलवे के ट्रैक गया हुआ है। पहले जब रेलवे ट्रैक की वजह से बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम लगता था, बट अब जो है इन्होंने ये लाइन बना दी है तो इससे अब टाइम नहीं लगता, ट्रेन आए जाए इससे कोई मतलब नहीं है, फ्लाई ओवर से आदमी चढ़ के निकल जाता है अपना आराम से अपनी मंजिल की तरफ। ये फ्लाई ओवर जो है बना रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ, लास्ट ईयर फैब में नहीं था अभी स्टार्ट, रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ है।